हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। एंड सभी को मेरे और मेरे परिवार की तरफ से अ वेरी वेरी हैप्पी दिवाली। आई होप सभी का, आप सभी का जो भी ये वीडियो देख रहे हैं उनका जो दिवाली है वो एकदम सही से, एकदम सेफ एंड एकदम मजे से जाए। एंड आप फाइनेंशियली, आप हेल्थ वाइज, आप वेल्थ वाइज सभी एरियाज में एकदम एक्सेल करो एंड कहीं भी आप लोगों को प्रॉब्लम ना आए। तो वेरी वेरी हैप्पी दिवाली भाई, है ना, फटाके फोड़ो एकदम आराम से, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। सेफली सबका ध्यान रख के फटाके फोड़ो, एंजॉय करो एंड जस्ट एंजॉय दिस फेस्टिवल ऑफ दिवाली। तो भाई बढ़ते हैं वीडियो के तरफ। एंड यहाँ पर इंडिया और मलेशिया के तरफ से दो दो बड़ी अपडेट्स आई है। एक तो यहाँ पर वेन्यू कंफर्म हो चुका है एंड एक ये कंफर्म या तो खतरे में है। क्या इंडिया का पॉट वन का जो स्पॉट है वो कंफर्म होने के बाद भी यहाँ पर खतरे में है या नहीं है? बिकॉज मलेशिया फीफा विंडो में एक और फ्रेंडली खेलने वाली है। तो अभी उसमें से कितने पॉइंट्स मिलेंगे मलेशिया को, क्या मलेशिया कवर अप कर पाएगा इंडिया को एंड वो जो पॉइंट वन का जो स्पॉट है वो छीन पाएगा, ये वाले वीडियो में सब आपको सही से बताने वाला हूँ। तो लेट्स स्टार्ट गाइस। तो पहले ऑब्वियसली बात करेंगे वेन्यू के बारे में एंड कौन से दिन पे मैच होने वाला है। सो इंडिया से मलेशिया का रिसेंटली यहाँ पर AIFF ने अपडेट दिया है कि 18 नवंबर को ये मैच खेला जाएगा एट हैदराबाद। तो हैदराबाद का भी यहाँ पर वेन्यू सिलेक्ट किया गया है। एंड आपने यहाँ पर कल का मैच देखा हैदराबाद मोहम्मदन सुपर जायंट्स का, कि जो पिच की जो कंडीशंस है वो यहाँ पर खेलने लायक भी नहीं है और देखने लायक भी नहीं है, टू बी ऑनेस्ट, डोंट नो डिसरिस्पेक्ट टू देम, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या दूसरे वेन्यू सिलेक्ट किए जा सकते थे? यस डेफिनेटली, ऐसा नहीं है कि हैदराबाद के वेन्यू पे एक साल के बाद या दो साल के बाद फिर से मैच हो रहा है। अभी जस्ट आपने मैच वहां पर करवाया था एक दो महीने पहले और आप फिर से आप हैदराबाद पे कर रहे हो, तो मेरे हिसाब से जो आप बोल रहे हो वो आप इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे। आप ये बोलते हो कि हमें हर एक इंडिया के हर एक कोने कोने में या तो एरियाज में स्टेट्स में हमें मैच करवाना है नेशनल टीम का, और अभी आप वही खुद इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हो। तो मेरे हिसाब से लाइक दो तीन वेन्यूज हो सकते थे जहां पर 34 में आप करा सकते थे, शिलोंग दैट इज, आप जमशेदपुर में करा सकते थे, आप कोची में करा सकते थे। तो तीनों जगह आपको जो फैंस रहते थे पूरा सोल्ड आउट हो जाता था। मैं बोल रहा हूँ नेशनल टीम के लिए पूरा जो स्टेडियम है वो कचाकच भर जाता था। बट अभी ये AIFF, आपको पता है, ये बोलने की जरूरत नहीं है क्या चल रहा है। AIFF इज AIFF, इट इज व्हाट इट इज, ठीक है। बात करते हैं यहाँ पर इंडिया से मलेशिया का, कि क्या मलेशिया हमें कवर अप कर पाएगा और क्या हमारे से ऊपर पहुंच पाएगा। अभी जो डिफरेंस देख लेते, अभी इंडिया का जो डिफरेंस देखोगे एंड इंडिया और मलेशिया के डिफरेंस पॉइंट्स में, तो अगर आप बात करो इंडिया का जो पॉइंट्स है वो 1133 के लगभग है एंड मलेशिया का जो पॉइंट्स है उनका जो पॉइंट्स है वो 1113 है। तो लगभग लगभग 20 पॉइंट्स का यहाँ पर फर्क आ रहा है, 19-20 का यहाँ पर फर्क आ रहा है, ठीक है। अभी 14 तारीख को यहाँ पर मलेशियन एफए ने अनाउंस किया था कि बोलो एक इंटरनेशनल फीफा विंडो में फ्रेंडली खेलने वाले हैं लियोस के अगेंस्ट। अभी लियोस के अगेंस्ट ही देखो, जब आप लाइव फीफा रैंकिंग कैलकुलेट करोगे वहां पर मुझे तो ऑप्शन नहीं आ रहा था एज ऑफ नाउ। तो अभी अगर पकड़ के चलते हैं वेटेज 5 पॉइंट उनको मिलेंगे, अगर वो जीतते या तो हारते तो 5-5 पॉइंट कटेंगे। तो लेट सपोज की बोलो तो आराम से जीतने वाले, तो वो 5 पॉइंट वहां पर हो चुके, ठीक है। तो अभी हमारे मैच से पहले जो फर्क रहेगा वो रहेगा 15 पॉइंट्स का, क्योंकि ऑब्वियसली मलेशिया मैच जीत चुके, 5 पॉइंट उन्हें मिलेंगे। तो दैट मींस कि हमारे और मतलब मलेशिया के बीच में 15 पॉइंट का डिफरेंस रहेगा। अब बात आ जाती है कि जो 18 नवंबर को जो फ्रेंडली होने वाला है, अगर हम जीत गए, अगर हम ड्रॉ कर गए तो बात तो खत्म है, लेकिन अगर हम हार जाते हैं तो लेट सपोज यहाँ पर आपको स्क्रीन पे दिख रहा है कि कितने पॉइंट्स हम गवाएंगे। तो लगभग लगभग अगर 5 पॉइंट्स भी हम गवाते हैं तो अगर समझो मलेशिया ये मैच जीत जाती है तो मलेशिया को अप्रोक्सीमेटली 5 पॉइंट मिलेंगे और हमारे 5 पॉइंट कम होंगे। दैट मींस कि टोटल 10 पॉइंट्स यहाँ पर कम हो जाएंगे। तो यहाँ पर 10 और यहाँ पर मलेशिया को जो लियोस के अगेंस्ट जो मिला था 5 पॉइंट, तो टोटल 15 पॉइंट्स होंगे। फिर भी हमारे और मलेशिया के बीच में 5 पॉइंट का अंतर होगा एंड दैट मींस कि यहाँ पर चाहे वो लियोस के अगेंस्ट खेल ले या किसी के अगेंस्ट भी खेल ले, इट डजंट मैटर कि भाई इंडिया का जो पॉट वन स्पॉट है वो कंफर्म है, अनलेस एंड अंटिल अगर इंडिया एक और फ्रेंडली खेलता है तो। अभी मुझे तो नहीं लगता कि AIFF इतना बेवकूफ है इन टर्म्स ऑफ पॉट वन है, तो लोग को भी आई गेस रहेगा। हाँ, पीपल आर डिमांडिंग कि भाई हम क्या कुछ बड़े है क्या एक ही फ्रेंडली खेल रहे हैं, बट मेरे हिसाब से ये केस में कंसीडरिंग पॉट वन का स्पॉट, आई गेस डिसीजन ठीक है, एक ही फ्रेंडली खेलो, पॉट वन कंफर्म करो एंड बाद में देखा जाएगा, ठीक है। तो ये मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लग रहा है। एंड और भी अगर आप देखोगे, आपने दिसंबर के फिक्चर्स देखे, देखिए दिसंबर में यहाँ पर मलेशिया खेल रही है, अभी वो यहाँ पर फीफा जो विंडो है उसमें काउंट नहीं किया जाएगा, ठीक है। जो नवंबर वाला विंडो है उसमें जो मैचेस होंगे उसको काउंट किया जाएगा एंड उसके बाद जो पॉइंट्स यहाँ पर कंफर्म हो जाएंगे एंड दैट विल बी द फाइनल
फाइनल रैंकिंग जो कि कंसीडर किया जाएगा एंड उसमें हम पॉट वन में ही रहेंगे। तो भाई कोई दिक्कत वाली बात नहीं, यस भाई इंडिया का पॉट वन सिक्योर है जितना मेरे नॉलेज, जितना मैंने देखा है सब कुछ ये वीडियो में मैंने आपको बताया। आपका क्या कहना है दोस्तों, प्लीज लेट मी नो इन द चैट सेक्शन। आपके अकॉर्डिंग कौन कौन से वेन्यूज ट्राई कर सकते थे यहाँ पर AIFF? ऑब्वियसली आपके और मेरी कोई सुनता तो है नहीं स्पेशली AIFF, बट यार मेरे को, मैं जानना चाहता हूँ कि आप लोगों को कौन से वेन्यूज देखने थे बिसाइड्स दिस हैदराबाद। लेट मी नो इन द चैट सेक्शन एंड वंस अगेन आपको एंड आपके फैमिली को मेरे और मेरे परिवार की तरफ से अ वेरी वेरी हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली, चलो बाय, टेक केयर।